और ऑस्ट्रेलिया के बीच कल से सिडनी टेस्ट मैच की शुरुआत होने जा रही है, लेकिन टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली हाल ही में सिडनी टेस्ट से ठीक पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करते नजर आए। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ कहा कि उनके लिए इतिहास में क्या हुआ ये मैटर नहीं करता, लेकिन वो एज अ क्रिकेटर ये समझते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में आना और यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया को हरा कर जाना एक अलग अनुभव होता है। उन्होंने कहा कि ऑस्ट्रेलिया को अगर हम हरा कर जाते हैं तो हमें खुशी होगी, हम यहाँ पर सीरीज जीतने के लिए आए हैं और अगर हम सीरीज जीत जाते हैं तो इतिहास बदलेगा, तो इसमें हमें कोई ज्यादा हैरानी नहीं होगी। उन्होंने कहा कि हर कोई चाहता है कि वो इतिहास को बदले, लेकिन हमारा फोकस साफ तौर पर जीत पर है और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हम सिडनी में कोई कमी कसर नहीं छोड़ेंगे। बता दें आपको कि पिछले 70 सालों में टीम इंडिया 11 बार ऑस्ट्रेलिया का दौरा कर चुकी है, लेकिन एक भी बार भारत को ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट सीरीज में जीतने का गौरव हासिल नहीं हुआ है। इस बार भारत के पास सुनहरा मौका है, 2-1 से टीम इंडिया सीरीज में आगे है और अगर सिडनी टेस्ट टीम इंडिया ड्रॉ भी कराती है तो भी बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी घर ही आएगी और भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया में आसानी से सीरीज जीत लेगी। वहीं ऑस्ट्रेलिया की बात की जाए तो ऑस्ट्रेलिया का पूरा फोकस इस मैच को जीतने पर होगा, क्योंकि अगर वो मैच जीतेंगे तभी सीरीज को बचा पाएंगे। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स प्लस से अभिलाष पांडे की रिपोर्ट।